हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जीके के 10 क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक राज्य का संघ है जिसमें 29 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं अभी इसके ऑप्शन बताती हूँ। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? ईटानगर, दिसपुर, इफाल, शिलांग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा ईटानगर। नंबर 3, आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? नंबर 1 अंग्रेजी और तेलुगु, नंबर 2 तेलुगु और उर्दू, 3 तेलुगु और कन्नड़, नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगर इसका आप कौन सा मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलुगु और उर्दू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रेडियो ड्रेन, ऑप्शन सी गोल्डन शावर, ऑप्शन डी घोषित नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कमल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 6, किस राज्य की मुख्य भाषा खांसी है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। अगर नहीं मालूम है तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष बादाम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य का सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो चलो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सीमा बहुत बड़ा है। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप सभी को अधिकतर मालूम होगा, तो चलो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है अभी तक के राज्यों में। अब है लास्ट क्वेश्चन, तो चलो जल्दी से देखते हैं। एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का लास्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ आपको जीके के और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगी। तो इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।